हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अरहर की दाल तड़का की रेसिपी। आज मैं आपको जो तरीका बताने वाली हूँ दाल बनाने का, वो एकदम ही डिफरेंट है, एकदम ही यूनिक है। जब इस तरह से आप दाल बनाएंगे तो आपकी दाल का स्वाद 10 गुना बढ़ जाएगा और हमेशा आप इसी तरह से दाल बनाकर खाएंगे तो टेस्ट इसका बहुत ही डिफरेंट आएगा फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 कप दाल ले ली है मेज़र करके। आप कोई कटोरी सेट कर लीजिए और इसे हम अच्छे से 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे। हमें इसे भिगो के नहीं रखना है बिल्कुल भी, सिर्फ पानी से धो लेना है। अब देखिए, यहाँ मैंने दाल धो ली है, इसे हम सीधे प्रेशर कुकर में डाल देंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने दाल को डाल दिया है प्रेशर कुकर में और इसके बाद अब मैंने ली है 2 हरी मिर्च और छोटा सा टुकड़ा अदरक का। इन्हें हम कूट दानी में डाल के अच्छे से कूट लेंगे। हमें इनका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा इन्हें कूट लेना है। तो देखिए, ये कूट के तैयार हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 प्याज और 2 टमाटर को रफली चॉप कर लिया है और अब चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर आप टमाटर और प्याज दोनों को इसी दाल में डाल दीजिए और उसी के बाद हम जो पेस्ट बना के हमने रखा है, दरदरा जो हमने कूट के रखा है, हरी मिर्च और अदरक, वो डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 3 से 4 लौंग और उसके बाद हम बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब आप आधा आधा चम्मच ले लीजिए। और उसके बाद हमें डालना है साबुत जीरा, 1 से आधा चम्मच ले लीजिए इसे भी, और स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। इन सबको डालने के बाद हम एक चीज़ और डालेंगे सीक्रेट, वो है इसमें देसी घी। जी हाँ, तो आपको यहाँ पे देसी घी ही लेना है और इसे डालने के बाद आपकी दाल में जो स्वाद आएगा ना, एकदम डिफरेंट होगा। तो आप इसे ज़रूर डालें। और इसे डालने के बाद अब हमें एक चमचे की मदद से इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे सारे मसाले, प्याज, टमाटर, दाल सब अच्छे से एक दूसरे से मिक्स हो जाएँ। तो अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो यहाँ मैंने गैस कुकर लिया है ऑन और उस पर रख दिया है कुकर। तो यहाँ हमें अभी पानी नहीं डालना है इसमें, इसे अच्छे से हमें भूनना है 2 से 4 मिनट। इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस इतना करना है कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 से 4 मिनट यहाँ हो गए हैं मुझे इसे चलाते हुए और इसमें से एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। अब इससे ज़्यादा हम इसे नहीं चलाएँगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे पानी। तो पानी मैं उसी कप से नाप के डाल रही हूँ, 3 से 3.5 कप तक आप पानी डाल सकते हैं। अगर आप पतली खाते हैं तो 1/2 कप पानी और बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे मैंने टोटल 3 से 3.5 कप पानी डाल दिया है इसमें और अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम ढक्कन बंद करके इसमें 1 सीटी लेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे। हमें ज़्यादा सीटी नहीं लेना है वरना ये घुट जाएगी। तब तक सीटी आ रही है तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले में मैंने जीरा लिया है 1 चम्मच साबुत और 1 सूखी लाल मिर्च ली है, उसे तोड़ के डाल दिया है। उसके साथ ही लाल मिर्च का पाउडर डाला है थोड़ा सा और थोड़ी सी मैंने हींग डाली है यहाँ पर और उसके बाद डाला है मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी। बस इन सबको डालने के बाद आप चम्मच की मदद से इसे मिक्स कर लीजिए, क्योंकि जब लास्ट में हम तड़का लगाएंगे तब ये वहाँ पर हमारा काम आएगा। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा हरा धनिया काट के रखा है, प्याज काट के रखी है 1 और 1 टमाटर को चॉप करके रख लिया है। तो चलिए अब कुकर देख लेते हैं, इसमें 1 सीटी आ गई है और प्रेशर भी खुद निकल गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कितनी अच्छी हमारी दाल उबल के तैयार हो गई है। सिर्फ आपको 1 सीटी लगानी है वरना ये ज़्यादा घुट जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो चलिए तड़का लगा लेते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है और जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो यहाँ मैं डालूँगी 1 से 2 चम्मच भर के देसी घी। तो देसी घी में जब हम दाल फ्राई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी हमारी दाल। और जैसे ये गर्म हो जाए तो इसमें आप डाल दीजिए थोड़ा सा जीरा और उसके बाद हमने जो प्याज चॉप करके रखी है वो डाल दीजिए आप और इसे आप भून लीजिए। तो इसे हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, बस थोड़ा सा हमें ट्रांसपेरेंट करना है और हल्का सा ये भून जाए। 50 से 60% हमें इसे भूनना है। तो देखिए, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दी है 1 हरी मिर्च चीरा लगा के बीच से। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है दाल में।
और उसके बाद हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद आप प्याज के साथ इसे अच्छे से पका लीजिए कि टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो जाए। जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, जिससे दाल का कलर और ज़्यादा सुंदर आएगा। तो कश्मीरी लाल मिर्च तीखी बिल्कुल नहीं होती है, बस उसमें बहुत सुंदर कलर आ जाता है। और उसके बाद हम डाल देंगे कुकर की सारी दाल। तो देखिए यहाँ मैंने सारी दाल डाल दी है कढ़ाई में, और एक चमचे की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स कितनी सुंदर लग रही है हमारी दाल, और खुशबू तो इसकी इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि आप जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी टेस्टी दाल आपकी बनके तैयार हुई है। तो यहाँ पे दाल अच्छे से उबल गई है, और फ्रेंड्स देखिए दाल का दाना आपको मैं दिखा रही हूँ, अच्छे से कुक भी हो गई है। ये नहीं है कि एक सीटी लगाई है तो कुक नहीं हुई है, आपको एक ही सीटी लगाई है, वरना ये दाल बहुत ज़्यादा घुट जाएगी। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया। उसके बाद आप इसे अच्छे से चला लीजिए और लेड लगा के इसे बंद कर दीजिए। और अब चलते हैं हम अपने फाइनल तड़के की तरफ। तो यहाँ पे मैंने दूसरा पैन रख लिया है, और जैसे ही वो गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं डालूँगी कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पे मैं कुकिंग ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ भी घी का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ 2 बड़ी चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल इसमें डाल दिया है। अब हमें फटाफट, कोई देरी नहीं करनी है, हमने जो मसाला बना के रखा है जैसे ये तेज़ गर्म हो जाएगा, धुआं आने लगेगा इसमें, फटाफट से ये सारा मसाला इसमें डाल देंगे और फटाफट दाल में डाल देंगे। तो देखिए फटाफट से डाल दीजिए आप, और ढक्कन हटा के इसमें सारा डाल दीजिए और ढक्कन कर दीजिए बंद। इससे जो भी इसका सारा फ्लेवर है सब दाल में समा जाएगा। और 5 मिनट बाद आपको ढक्कन हटाना है, जब तक इसमें धुआं रहे तब तक ढक्कन नहीं हटाना है बिल्कुल भी, जिससे हमने जो अभी तड़का लगाया है उसका सारा फ्लेवर दाल में पहुंच जाएगा, और दाल जो बनेगी वो सुपर टेस्टी बनेगी हमारी। तो देखिए फ्रेंड्स देखने में ही कितनी ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी लग रही है हमारी दाल, और जितनी दिखने में लग रही है उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी बनी है फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसे कर लेते हैं सर्व। तो सर्व करने के लिए मैंने छोटी सी एक कढ़ाई ले ली है, और उसमें दाल को मैं सर्व कर लूँगी। तो फ्रेंड्स आप एक बार ऐसे दाल ज़रूर बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और उसके बाद आप ऊपर से धनिए से कर लीजिए इसे गार्निश। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ अरहर दाल तड़का बनकर बिल्कुल तैयार है। और लास्ट में मैं ऊपर से डालूँगी इसमें 1 चम्मच देसी घी, क्योंकि देसी घी जो है दाल के स्वाद को 10 गुना बढ़ा देता है। तो लीजिए फ्रेंड्स तैयार है हमारी एकदम गर्मा गर्म अरहर दाल तड़का। ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी है ना कि आप हर बार इसी तरह से दाल बनाकर खाएंगे। आप इसे चाहे तो रोटी के साथ खाइए, चाहे तो चावल के साथ खाइए, दोनों के साथ ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ तो मैं चावल के साथ इसे सर्व कर रही हूँ, और आप चाहें तो किसी के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी रेसिपी, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ।